395 रुपये का रिचार्ज जियो यूजर, 455 रुपये का रिचार्ज एयरटेल यूजर करा सकते हैं, जिसमें आपको 3 महीने का अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा, साथ ही साथ 6 GB डेटा मिलेगा। अगर आपके पास 5G हैंडसेट है तो जब तक कंपनियां फ्री 5G दे रही है, आपको अनलिमिटेड 5G भी मिलेगा। ये प्लान वो लोग भी रिचार्ज करा सकते हैं जिनके घर पे वाईफाई है, ऑफिस में वाईफाई है, वो लोग भी इस प्लान को रिचार्ज करा सकते हैं। अगर आपके पास 4G हैंडसेट है, डेटा भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो भी आप इस प्लान को रिचार्ज करा सकते हैं। अगर बीच में कभी डेटा का ज़रूरत पड़ गया 3 महीना में, तो आप एड ऑन पैक 15 रुपये, 19 रुपये, 25 रुपये से करा सकते हैं। ये प्लान घर में देखिएगा, जो छोटा जियो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो लोग स्मार्टफोन नहीं लेना चाहते हैं, 210 240 का रिचार्ज कराना पड़ता है 1 महीना इसके वजह से, तो ये प्लान उन लोग के लिए भी अच्छा है। अगर वो स्विच करना चाहते हैं स्मार्टफोन में, तो ये प्लान रिचार्ज करा के आप स्विच कर सकते हैं। एयरटेल का रिचार्ज 455 का जो है, वो आप फोन पे, पेटीएम, कहीं दुकान पे जाके आप पैसा दीजिए, वो रिचार्ज कर देंगे। लेकिन जियो का जो 395 का प्लान है, वो फोन पे, पेटीएम में मेरे को मिला ही नहीं रिचार्ज। दुकान में जाने से भी वो लोग 395 का प्लान उन लोग के पास भी नहीं है, वो लोग भी रिचार्ज नहीं कर सकते। इस वीडियो में बताना चाहूंगा 395 का रिचार्ज आप कैसे कर सकते। 395 रुपये जियो रिचार्ज करने के लिए हमें माई जियो ऐप ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ अपना देख सकते हैं मोबाइल नंबर, यहाँ रिचार्ज का ऑप्शन दे रहा है, रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। रिचार्ज पर क्लिक करके ऊपर देख रहे हैं पॉपुलर, डेटा बूस्ट, एंटरटेनमेंट प्लान, इसमें सबसे लास्ट में रहेगा, यहाँ देखिए वैल्यू करके दिखाएगा। वैल्यू पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड 5G इस पर अवेलेबल है, 395 का प्लान है। इस पर आप रिचार्ज पर क्लिक करें, आपके फ़ोन में फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, या UPI ID हो, किसी से आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फ़ोन पे क्लिक करूँगा, ये देखिए आप मेरे को फ़ोन पे ओपन करने के लिए बताएगा, फ़ोन पे ओपन हो गया। यहाँ से आराम से आप पेमेंट करके रिचार्ज कर सकते हैं। तो जाइए 395 से रिचार्ज करिए, पर जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ जानकारी चाहिए या सुझाव हो तो कॉमेंट करें, एटलीस्ट एक लाइक तो कर ही ले। लाइक करने के लिए धन्यवाद।